हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर हमारा ईवीएस सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारा यूनिट जो कंटेंट था यूनिट नंबर 4 है छोटू हाउस। जो छोटू का घर था वो हमने यूनिट में देखा था कि छोटू अहमदाबाद आया था और फिर उसे रहने के लिए कोई घर नहीं मिला तो उसने पाइप को अपना शेल्टर यानी घर बना दिया। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन आंसर भी दिए सॉल्व किए थे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है उसके बारे में भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। फिर एक रीडर हमने पढ़ी थी, उसमें एक बच्चा है जो अपनी मॉम से कह रहा है कि मॉम हम अकेले घर में नहीं रहते, साथ में बहुत सारे जो एनिमल्स है जैसे कि स्पाइडर बर्ड्स है, फिर जो लिजार्ड्स है, रेड है यानी माउस है, वो सब साथ में हमारे घर पे रहते हैं तो घर हमारा अकेला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पेज नंबर 30 पे बात करेंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट दिया है कि ड्रो पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन अवर हाउस। आपको ऐसे दो एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ करने हैं जो आप हमारे घर पे रहते हैं ऐसे। राइट द नेम्स बिलो द पिक्चर, और पिक्चर के नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं दो वहाँ पे उनके नेम भी आपको लिखने हैं। जैसे कि कौन सी पिक्चर आप ड्रॉ करोगे, डॉग का, कैट का, या फिर काउ का, बफेलो, कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर लेना और ये आपको पिक्चर अपनी तरह से ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है रिमेंबर एंड राइट, याद करना है और फिर लिखना है। तो यहाँ पर है कि हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपना घर किस तरह साफ रखते हो, कैसे साफ रखते हो। तो हमारा घर कैसे साफ रखते हैं, जैसे कि झाड़ू से हम लोग घर की सफाई करते हैं, फिर बाथरूम वगैरह क्लीन रखते हैं, फ्लोर भी साफ रखते हैं, और जो मंथ में एक बार हम पूरा घर हमारा साफ करते हैं। तो हम उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, वी क्लीन आवर हाउस बाय फॉलोइंग मेथड। आंसर है उसका ये, क्लीन आवर हाउस बाय फॉलोइंग मेथड। ये नीचे की जो मेथड है उसमें से हम करते हैं। अब कौन सी मेथड से करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है देयर इज अ रेगुलर क्लीन विद बूमस्टिक। फर्स्ट है कि देयर इज अ रेगुलर क्लीन विद ब्रूमस्टिक। ब्रूमस्टिक से हम रेगुलर क्लीन करते हैं। फिर है कि देयर इज अ रेगुलर मॉपिंग ऑफ फ्लोर्स रेगुलर मॉपिंग करते हैं फ्लोर। फिर एक लिखेंगे कि वंस इन अ मंथ द होल हाउस इज क्लीन बाय वैक्यूम क्लीनर। वंस इन अ मंथ में एक बार होल हाउस इज क्लीन बाय वैक्यूम क्लीनर। जो वैक्यूम क्लीनर होता है उससे एक बार मंथ में हम घर साफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है कि वी क्लीन अवर हाउस बाय फॉलोइंग मेथड। ये जो मेथड है उसमें से नीचे दी गई मेथड में से हम हमारा घर जो साफ करते हैं कैसे, कि देयर इज अ रेगुलर क्लीनिंग विद ब्रूमस्टिक। जो झाड़ू होती है, झाड़ू की स्टिक होती है, उससे हम क्या करते हैं, रेगुलर साफ करते हैं घर। देयर इज अ रेगुलर मॉपिंग ऑन फ्लोर्स, जो फ्लोर है उस पर हम रेगुलर मॉपिंग करते हैं, साफ करते हैं। फिर बाद में ये वंस इन अ मंथ द होल हाउस, महीने में एक बार इज क्लीन बाय वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर से एक बार, महीने में एक बार हमारा घर वैक्यूम क्लीनर से हम पूरा साफ करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। आप इसका भी आंसर अपनी तरफ से लिख सकते हो, जैसे कि मैं मेरे घर में इस तरह से साफ करता हूँ, आप
कोई और तरह से साफ रखते हो तो आप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कि थिंक एंड टेल, सोचना है और कहना है कि क्या कर रहे हो ये सब। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। थ्रो मतलब फेंकना, गार्बेज मतलब कचरा। वेयर डू यू, कहाँ पर आपके घर का जो कचरा है वो आप कहाँ पर फेंकते हो। जैसे कि हमारे घर का कचरा है तो हम फेंकते नहीं है, क्यों फेंकते हैं मतलब जो म्यूनिसिपालिटी का जो एक कैन आता है उसमें हम डाल देते हैं और फिर वो सब साथ में लेके जाता है। तो हम उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, we throw all our garbage जो हमारा पूरा कचरा है वो directly into the directly इसमें फेंकते हैं तो directly into the trash cans kept by trash cans kept by हम उसमें रखते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी का कैन आता है उसमें kept by the म्यूनिसिपैलिटी। जो म्यूनिसिपैलिटी का कैन आता है मतलब वहां पर जो उनकी गाड़ी आ गई जो कचरा उठाने के लिए वहां पर हम रख देते हैं। तो बच्चों वी थ्रो ऑल आवर गार्बेज डायरेक्टली इन इनटू द ट्रैश कैंस केप्ट बाय द म्यूनिसिपैलिटी। जो म्यूनिसिपैलिटी की जो कार आती है गाड़ी आती है उसके अंदर हम पूरा कचरा डाल देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। आपका जो घर के साइड में जो एरिया है वो क्या क्लीन है। तो हाँ हमारे घर का जो एरिया है वो क्लीन ही होता है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे यस द एरिया अराउंड आवर हाउस इज क्लीन। एरिया अवर हाउस, एरिया अराउंड अवर हाउस, हमारे घर का जो एरिया है साइड में जो एरिया है हमारे घर की बाजू का जो एरिया है अवर हाउस इज क्लीन बिकॉज क्यू के द स्वीपर्स एंड क्लीनर्स जो स्वीपर होते हैं साफ करने वाले होते हैं क्लीनर्स क्लीन वो क्या करते हैं स्वीपर एंड क्लीनर क्या करते हैं क्लीन अवे एनी डर्ट। डर्ट मतलब कोई किसी भी तरह की मिट्टी या गंदगी हो तो वहां पर वो साफ कर देते हैं। Keep the area clean. और क्या करते हैं वो एरिया क्लीन कर देते। तो the area around our house is clean because sweepers and cleaners clean. जो sweeper यानी जो ब्रूम स्टिक से झाड़ू लगाते हैं वो उसके उसको मतलब बोला जाता है उसको स्वीपर्स एंड क्लीनर्स क्लीन अवे एनी डर्ट कोई किसी भी तरह की जो गंदगी हो वो साफ कर देते हैं एंड कीप द एरिया क्लीन और हमारा एरिया है जो क्लीन रखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। आपका हाउस क्लीन करने में कौन कौन हेल्प करता है, आपका हाउस जो क्लीन करने में कौन कौन हेल्प करता है। तो हमारा हाउस क्लीन करने में कौन कौन हेल्प करते हैं जैसे कि हमारी सिस्टर, हम भी कई बार क्लीन करने में हेल्प करते हैं और हमारी
मम्मी, तो हम लिखेंगे यहां पर द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इन विच अब कौन कौन उसमें हेल्प करता है, माई सिस्टर एंड आई हेल्प, जो मेरी सिस्टर है एंड आई मैं भी हेल्प करवाता हूं, और कौन करता है इज टेकन केयर ऑफ बाय माई मदर, जो मेरी मम्मी केयर करती है, वो मतलब हम साफ करते हैं, जैसे कि द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इन विच माई सिस्टर एंड आई हेल्प, मेरी सिस्टर और मैं हेल्प करते हैं, इज टेकन केयर केयर कौन करता है ऑफ बाय माई मदर, और मेरे मदर के साइड में मेरे मदर के द्वारा जो केयर की जाती है वहाँ पर हम लोग हेल्प करते हैं, तो कौन कौन हेल्प करता है, जैसे कि मैं, मेरी सिस्टर और माय मदर, तीनों हम हेल्प करते है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कि लुक पेज नंबर 31 पे, लुक हाउ ब्यूटीफुली लता'स हाउस इज डेकोरेटेड, आपको बाजू में एक पिक्चर दिया हुआ है, देखो वहां पर लता का जो हाउस है वो बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है, देखो जो डोर है उसके बाहर आशोपालों की ट्री की जो अशोका ट्री बोलते हैं उसके एक डेकोरेट किया हुआ है उससे, फिर बाद में जो यहाँ पर हमें रंगोली दिख रही है वहाँ पर वाइट कलर की रंगोली भी दी हुई है, हम भी हमारे घर को डेकोरेट करते हैं जब कोई फेस्टिवल आता है जैसे कि दिवाली आती है तो हम हमारे घर को लाइट्स एंड वैसे रेगुलरली मतलब वो करते हैं अच्छे से डेकोरेट करते हैं, तो यहाँ पर हमें उसी तरह से क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि मुस्लिम है तो मुस्लिम क्या करते हैं, जैसे ईद के पर्व पर ईद के फेस्टिवल पर वो अपना घर क्लीन करते हैं और डेकोरेट करते हैं, तो यहाँ पर थिंक एंड राइट लिखना है और सोच के लिखना है कि इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, ऐसा कोई स्पेशल वे स्पेशल कुछ है जब उस टाइम आप अपना घर डेकोरेट करते हो, तो व्हेन एंड हाउ कब एंड कैसे, तो जैसे कि मैं यहाँ पर हमारा आंसर लिखूंगा कि जब दिवाली आती है तब हम हमारा घर डेकोरेट करते हैं, और जब मुस्लिम ईद पे करते हैं तो हम यहाँ पर आंसर की यस ऑन फेस्टिवल ओकेशन, ऑन फेस्टिवल ओकेशन, ओकेशन मतलब प्रसंग, फेस्टिव ओकेशन वी डेकोरेट आवर हाउस इन अब क्या करते हैं इन स्पेशल अच्छी तरह से स्पेशल जो रेगुलर होता है उससे भी स्पेशल वे के अंदर हम लोग डेकोरेट करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ दिवाली, ऑफ दिवाली दिवाली का एग्जाम्पल लेते हैं, दिवाली में क्या करते हैं, तो दिवाली में वी डेकोरेट अवर हाउस विथ कलरफुल लाइट्स, हाउस विथ कलरफुल लाइट, लाइट्स एंड कलरफुल लाइट्स एंड विथ रंगोली, जो रंगोली होती है उससे हम हमारा हमारे घर को अच्छी तरह से सजा के डेकोरेट मतलब सजा के, यहाँ पर है कि यस ऑन फेस्टिवल फेस्टिव ओकेशंस, कोई ऐसा प्रसंग आता है उत्सव आता है
तब वी डेकोरेट अवर हाउस इन स्पेशल वे, हमारे घर को बहुत ही अच्छी तरह से हम सजाते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिवाली, दिवाली का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सॉरी यहाँ पर मैं एक स्मॉल लेटर दे दिया, कैपिटल लेटर आप कर देना, दिवाली ओकेशन पे यहाँ पर मैं डेकोरेट कौन से फेस्टिवल पे करते, दिवाली। तो यहाँ पर दिवाली पे और दिवाली वी डेकोरेट अवर हाउस विथ कलरफुल लाइट्स, हम कैसे करते हैं कलरफुल लाइट जलाते हैं, फिर पेंट भी रंगोली और रंगोली के साथ हम करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी तरह से करना है। जैसे कि आस्क के अंदर पूछना और भी लिखना है, आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। आपको आपके फ्रेंड्स को पूछना है कि वो कैसे अपने घर को डेकोरेट सजाता है, मतलब कैसे सजाता है, कौन से ओकेशन पे सजाता है, उत्सव पे सजाता है, वो आपको अपने फ्रेंड्स को पूछना है और भी लिखना है। यह आंसर आपको कंपलसरी अपने नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है। नेम थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस, यहाँ पर ऐसी चीजों की थिंग्स मतलब चीजों के नाम लिखने हैं, विथ जिसके जरिए, विच यू डेकोरेट योर हाउस जिसके जरिए आप अपने घर को सजाते हो, ऐसी चीजों के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे कि कोई वॉल पेंटिंग्स रखता है, फिर बाद में वहाँ पर फ्लावर्स भी रखते हैं, तो हम फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स रखता हूँ, फिर वॉल हैंगिंग भी रखता हूँ, वॉल हैंगिंग भी रखता हूँ, फिर मैं पेंटिंग का शौक है किसी को तो वो पेंटिंग भी रखता है, पेंटिंग्स रखते हैं, फिर क्या क्या रखते हो आप अपने घर में, आर्टिफैक्ट्स भी रखते हैं, कुछ चीजें बनाई हुई होती है वो हमारे घर में हम लगाते हैं। उसके बाद है फैंसी लाइट भी कोई लगाता है, फैंसी लाइट्स भी कोई उनके घर में लगाता है, फिर गार्लैंड्स भी लगाते हैं, गार्लैंड्स मतलब माला। तो मैंने जितने मैं सजा था वो उसके हिसाब से मैंने लिखा है, जैसे कि फ्लावर्स है, वॉल हैंगिंग्स है, पेंटिंग्स है, आर्टिफैक्ट्स है, फैंसी लाइट्स है, गार्लैंड्स, ये सब तो मिला के मैं अपने घर को सजाता हूँ, डेकोरेट करता हूँ। तो आपको भी जितने याद है वो आप अपनी बुक में लिख सकते हो। तो बच्चों ये वाला यूनिट हमने आज यहाँ पर फिनिश किया, और ये वाला यूनिट में हमने क्या क्या देखा, तो जैसे कि होम एंड हाउस, यहाँ पर हमने देखा था होम एंड हाउस, होम एंड हाउस का जो डिफरेंट था वो भी हमने फाइंड किया था, फिर उसके बाद जो छोटू है उसको क्या क्या तकलीफ हुई, वो कैसे वो अहमदाबाद में रहने लगा, कहाँ पर रहने लगा, वो भी हमने फाइंड किया, फिर हमारे घर में कौन कौन रहता है, हम अकेले नहीं रहते, उसके साथ में सारे इंसेक्ट भी रहते हैं वो हमने फाइंड किया, फिर बर्ड्स और जो एनिमल्स भी रहते हैं, फिर हमारा घर हम कैसे क्लीन रखते हैं वो भी हमने फाइंड किया, और जो हमारा घर हम कौन से ओकेशन पे फेस्टिवल पे हम लोग डेकोरेट करते हैं वो भी हमने फाइंड किया। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो ये यूनिट की वर्कबुक है, वर्कबुक में हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।